मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 मार्च 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जन अधिकार सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक विलय बताया। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा सदस्य हैं। उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा था। बिहार के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। चित्तौड़गढ़ के पहुना कस्बे में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। राशमी थाना क्षेत्र के पहुना कस्बे में मंगलवार रात निकाले जा रहे चार भुजानाथ के जुलूस पर सदर बाजार में समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। हालांकि डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत होना बताया है, लेकिन मृतक के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। घटना के बाद कस्बे में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मामला रासमी थाना क्षेत्र के पहुना कस्बे का है। यहां हर दशमी पर मंदिर से धार्मिक जुलूस निकाला जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर बेवाण भी निकाली जाती है। घटना की रात को करीब 9 बजे कस्बे में जुलूस निकल रहा था। वह जुलूस जब दरगाह के पास पहुंचा तो कुछ कट्टरपंथी लोग साउंड को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे और पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कस्बे में धारा 144 लागू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, कोटा से बड़ी खबर। 18 मार्च को नीट की तैयारी कर रही एक लड़की की अपहरण करने की घटना सामने आई थी। छात्रा के पिता को कुछ तस्वीरें भेजी गई थी जिनमें उनकी बेटी के हाथ पांव बंधे हुए थे और अपहरण करने वालों ने 30 लाख रुपए की डिमांड की थी। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हो चुका है। लड़की का किडनैप नहीं हुआ था बल्कि छात्रा ने दोस्तों के साथ मिलकर खुद यह साजिश रची थी। लड़की मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। यानी कि लड़की दोस्तों के साथ मिलकर किडनैप का नाटक किया और इस नाटक में वह खुद शामिल थी। लेकिन पुलिस ने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। 30 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। शुरुआत में तो मामला किडनैप का ही लगा, लेकिन जब कई सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि लड़की लड़कों के साथ आराम से घूम रही है, उसके बाद पुलिस को लगा कि यह मामला किडनैपिंग का तो नहीं है और पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। फिर आगे बढ़ जाते हैं बीकानेर से बड़ी खबर। केंद्र सरकार की अग्निवीर स्कीम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इसमें गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज के प्रेसिडेंट हरि गोदारा का सिर फूट गया। पूर्व अध्यक्ष कृष्ण गोदारा भी घायल हो गए। NSUI कार्यकर्ता दोपहर करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करने पहुँचे थे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। खेतों में डिग्गी बनाने वाले किसानों की जेब में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। किसानों को भुगतान करने को लेकर राज्य सरकार स्तर पर बजट आवंटन कर दिया गया है। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने बिल पास करके इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल अकेले हनुमानगढ़ जिले में करीब 1200 डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य था। इसमें 8 करोड़ से अधिक के बिल पास करके आगे भुगतान के लिए भेज दिए गए हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल हनुमानगढ़ जिले में हजारों किसान खेती से जीवन यापन कर रहे हैं। इस स्थिति में नहर पानी की समस्या अक्सर रहती है। यदि किसानों के खेत में डिग्गी बन जाए तो उन्हें सिंचाई समस्याओं से निजात मिल जाएगी। जिले में बड़ी संख्या में किसानों ने खेत में डिग्गी बनाने के लिए आवेदन कर रखा है। सभी किसानों के खेत में डिग्गी बनने पर इसका फायदा सरकार व किसान दोनों को होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। सोना लगातार आसमान छू रहा है। सोना बुधवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 206 रुपए बढ़कर 63,795 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और जानकारों की माने तो आने वाले कुछ महीनों के बाद सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुँच सकता है। आपको बता दूं, यह 24 कैरेट शुद्ध सोने के भाव है जो बिस्किट की शेप में आते हैं। वहीं चांदी की बात करें तो बुधवार को चांदी 73,859 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खबर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 24 मार्च को IPL का मुकाबला होगा। इसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स
के साथ खेलेगी। बड़ी खबर यह है, इस बार आईपीएल मैचों के लिए टिकट के रेट 1200 से लेकर 20,000 रुपए तक तय किए गए हैं। दर्शक जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में काउंटर से ऑफलाइन टिकट लेने के साथ ऑनलाइन भी टिकट बुक करवा सकते हैं। दरअसल पिछली बार सबसे सस्ता टिकट 800 रुपए था, इस बार 400 रुपए बढ़ा दिए हैं, यानी कि अगर आप सबसे सस्ता टिकट खरीदते हैं तो भी आपको 1200 रुपए मैदान में जाकर आईपीएल देखने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि यदि आप स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 500 रुपए में टिकट मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के स्टूडेंट के बैंक खातों में 200 रुपए ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं। 1,18,53,00,000 रुपए स्टूडेंट को वर्तमान सेशन की यूनिफॉर्म सिलाई के लिए दिए जा रहे हैं, जो सीधे स्टूडेंट के बैंक खाते में जमा होंगे। यानी कि पहले स्टूडेंटों को जो कपड़ा मिला था वह तो स्कूल से मिल गया था, अब सिलाई के पैसे सरकार सीधे बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। नकद राशि किसी को नहीं मिलेगी, स्टूडेंट का बैंक खाता होने पर ही राशि सीधे खाते में जमा होगी। अब देखिए, इस योजना से लाखों छात्र वंचित रहने वाले हैं, कैसे यह भी आपको बता दूं, क्योंकि कई बच्चों के पास तो अपना खुद का बैंक खाता भी नहीं है, और जिन बच्चों के पास बैंक खाता है उनका जन आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट के खातों में यह राशि जमा नहीं होगी। और वैसे भी आपको बता दूं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई बच्चा 1 से लेकर 8 तक में पढ़ता है तो बहुत कम लोग ही बच्चों के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास अपना बैंक खाता है और आधार कार्ड वगैरह लिंक है तो उस बच्चे के खाते में सीधे 200 रुपए आ जाएंगे। अगर आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बैंक खाता नहीं है तो खुलवा लीजिए, और अगर बैंक खाता है तो उसको आधार कार्ड से अपडेट करवा लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की कोई योजना आती है तो उसका तुरंत लाभ मिल सके। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस इस बार ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को टिकट देने जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 8 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, 3 सीटों पर फैसला गठबंधन कमेटी पर छोड़ा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में 8 सीटों पर टिकट फाइनल हो चुके हैं, इन पर अब कभी भी घोषणा हो सकती है। वैसे आपको बताऊं तो जयपुर शहर से सुनील शर्मा, श्रीन गंगानगर हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा, दौसा से मुरारी लाल मीणा और झालावाड़ बारा से उर्मिला जैन भाया, बाड़मेर जैसलमेर से उम्मेदाराम बेनीवाल, पाली से संगीता बेनीवाल, करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव, कोटा से प्रहलाद गुंजल के टिकट तय हो चुके हैं। वहीं गठबंधन वाली 3 सीटें नागौर सीकर बांसवाड़ा के अलावा जयपुर ग्रामीण, अजमेर भीलवाड़ा, राजसमंद के टिकट फिलहाल होल्ड पर रखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। जैसे जैसे होली करीब आ रही है, वैसे वैसे अब मौसम में गर्माहट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के बाड़मेर का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में भी अब दिन गर्म होने लगे हैं, दिन में गर्मी बढ़ने लगी है और रात में भी मौसम सुहावना बन गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि 1-2 स्थानों पर बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम तापमान में भी कुछ विशेष परिवर्तन फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब आने वाले दिनों में तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज आंशिक रूप से कुछ स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों का मौसम साफ रहेगा। हल्के फुल्के बादलों से फिलहाल ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट है। देखिए, अभी खेतों में हो क्या रहा है, फसलों की कटाई हो रही है और फसल सूखने के बाद किसान तुरंत ही मशीनों से अनाज निकाल भी रहे हैं, लेकिन बड़ी अपडेट ये है, इस समय किसानों को काफी ज्यादा सावधान रहना होगा, खासकर थ्रेसर से। बड़ी खबर यह है, थ्रेसर में आने से एक महिला की गर्दन धड़ से अलग हो गई, हादसा थ्रेसर में साड़ी फंसने के कारण हुआ। मामला चित्तौड़गढ़ में निम्बा हेड़ा कस्बे के गांव बागेड़ा मामदेव का है। बताया जा रहा है कि महिला मशीन के अंदर से मेथी उठा रही थी, तभी साड़ी थ्रेसर में फंस गई और यह बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा कोई नया हादसा नहीं है, इस सीजन में हर साल किसानों के साथ
ऐसे हादसे हो जाते हैं, ऐसे में किसानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। थ्रेसर से फसल निकालने के कुछ नियम होते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी होती है, ढीले ढाले वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, थ्रेसर से अनाज निकालते समय नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और साथ ही में जो इन कामों से अनजान होते हैं उनको यह काम न सौंपे ताकि कोई हादसा न हो। बड़ी अपडेट यह है किसानों के लिए कि थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि किसान भाई बड़ी मेहनत करके 6-7 महीने काम करके फसल तैयार करते हैं और यहाँ पर चूक हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी कि आपको फसल निकालते समय काफी सावधान रहना होगा, ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी आपके लिए काफी काम आएगी। बाकी आप खुद समझदार है, इन बातों को आसानी से समझते भी है। तो यही थी परदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।